चलिए, तो डीएसएम ज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में किसके बारे में चर्चा करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में आज हम लोग चर्चा करेंगे टेंस के बारे में। उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट में जो चर्चा करेंगे उसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे चर्चा करें तो सबसे पहले इसमें लगेगा हैज प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे वी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या तुमने यह काम किया है क्या तुमने यह काम किया है? Have you, कौन सा वर्ब लगेगा, victory, करना का victory क्या होगा, done this work, ठीक है ना। अब क्या तुम अपना काम खत्म कर चुके हो, क्या प्रिया फिल्म देख चुकी है, अगला क्या मैं लो, क्या वे लोग अपना काम खत्म कर चुके हैं, और क्या तुमने गरीबों की मदद की है? यह सेंटेंस आपको करना, डू बाय योरसेल्फ, खुद से करें। चलिए फिर मिलाइए इसको, आप लोग मिलाइए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो कह रहे कि क्या तुम अपना काम खत्म कर चुके हो, तो क्या होगा, हैव यू खत्म करने का फिनिश होता है, और वी3 लिखना है यहाँ पे, तो फिनिश, और अपना है तो योर, और क्या होगा, वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या प्रिया फिल्म देख चुके हैं, प्रिया फिल्म देखने के समय बापू वॉच लगाते हैं, वॉच कर द मूवी, नहीं बापू, देखिए देखने में क्या होता है, तो
वाच तब लगता है जब दिल दिमाग एक ही पास आ जाता है। फिल्म और सीरियल तक क्या होता है, एकदम ध्यान एकदम मन केंद्रित हो जाता है, इसलिए वाच लगाते हैं। लुक का यूज तब करते हैं जब लुक आप क्या करते हैं, उंगली दिखा के किसी की तरफ इशारा करते हैं तब यूज करते हैं। लुक एट द पिक्चर, लुक एट द बॉय, उस लड़के को देखो, उस पिक्चर को देखो। सी का यूज करते हैं आते जाते जितना लोगों को देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सी। सीन आते जाते लोगों को सीन होता है। आप किसी की तरफ इशारा करते हैं तो लुक होता है, और जब दिल दिमाग सब एक जगह इकट्ठा हो जाए तो क्या लगाते हैं, वाच। मतलब फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें क्या करते हैं, एकदम दिल दिमाग सब एक पास लगा लेते हैं। सीरियल तो देखने में कहो महिला लड़की इतना व्यस्त रहती है कि कोई काम खोल दीजिए तो ये कर दोगे तो ऐसा लगता है कि गर्दने दबा दी। सीरियल काम साड़ी देखती है, हार देखती है। बहुत अनुभवी आदमी है भैया, बहुत अनुभवी आदमी है क्या। चलिए है दे फिनिश्ड, है दे फिनिश्ड, अपना काम अपना काम। तो फिनिश देयर होगा, फिनिश देयर क्या, तुमने गरीबों की मदद की है, हैव यू हेल्प्ड, हैव यू हेल्प्ड द पुअर। द पुअर मतलब होता है दुनिया के सभी गरीब लोग। द पुअर मीन्स दुनिया के सबसे गरीब लोग, सभी गरीब लोग। द गर्ल मीन्स दुनिया की सभी लड़कियां। द बॉय मीन्स दुनिया के सभी लड़के। द टीचर दुनिया के सभी शिक्षक, समझ रहे ना। तो द जब दे लगता है तो वो कम्युनिटी को शो करता है, ग्रुप को शो करता है, ठीक है। चलिए मिलाइए, लिखिए चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए डब्ल्यू एच हाउस सेंटेंस, कौन सा डब्ल्यू एच हाउस। इसमें देखिए सबसे पहले लगाएंगे डब्ल्यू एच हाउस प्लस लिखेंगे इसमें क्या, हेल्पिंग वर्ब जो आता है उसको लिखते हैं हैज प्लस हैव। इसके बाद लिखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं आप क्या लिखते हैं वी थ्री, इसमें परमानेंट लगता है। इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। देखिए डब्ल्यू एच हाउ सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या अंतर, डब्ल्यू एच हाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस में जेन्युइन अंतर। जेन्युइन अंतर क्या है कि डब्ल्यू एच हाउ सेंटेंस जो होते हैं उसमें क्या क्यों कैसे सेंटेंस के बीच में आता है, जबकि इंटरोगेटिव में जितना भी क्या आपको दिखेगा वो सब्जेक्ट के पहले दिखेगा, शुरुआत में ही क्या लिख जाएगा। तो शुरुआत में जब क्या दिखेगा तो क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। आ क्या क्यों कैसे कहा कब, अगर ऐसा सेंटेंस वाक्य के बीच में दिखेगा तो वह डब्ल्यू एच हाउ सेंटेंस होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, तुमने ऐसा क्यों किया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों क्यों कहेंगे, क्या हुआ, why। चलिए इसके बाद है सब्जेक्ट, है सब्जेक्ट तुमने, है तुमने का क्या होगा, यू, यू के साथ हैज लगता है कि हैव लगता है, हैव लगेगा। उसके पहले क्या लिखेंगे, why have you ऐसा डन, और ऐसा के लिए इंग्लिश लिखते हैं सच। Why have you done such? तुमने ऐसा क्यों किया है? सच मिस क्या होता है? ऐसा ऐसी। चलिए क्या यूज करते हैं? सच। चलिए। आप लिखेंगे।
ये लोग क्यों आए हैं? तुमने उसे क्यों पीटा है? आगे उसने तुम्हें गाली कैसे दिया है? उन लोगों ने खाना जो नहीं खाया है, देखिए अरे ध्यान दीजिएगा गलती, अगर मान लीजिए सेंटेंस में नहीं दे दिया है, क्या दिया है? तो नहीं नहीं आ नोट दो जगह जोड़ सकते हैं, या तो आप हैज हैव के बाद यहाँ पे नोट जोड़ लेंगे तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा, यहाँ या सब्जेक्ट के बाद यहाँ नोट जोड़ लेंगे तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन दोनों में किसी एक ही जगह आप नोट जोड़े, ऐसा नहीं कि दोनों में क्या करें दोनों जगह नोट जोड़े तो गड़बड़ जाएगा, या तो आप हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट जोड़े तो नहीं वाला सेंटेंस बनेगा, दूसरा या तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़े तब भी नहीं, लेकिन किसी एक जगह पे आप डिसाइड करें कि आप किस जगह पे नॉट को क्या करना चाहते हैं जोड़ना चाहते हैं। चलिए सेंटेंस बनाइए। चलिए आगे देखें बनाइए। चलिए बनाइए। यहाँ है सेंटेंस कि वह कहाँ गई है, तो ये बनाएंगे कहाँ जाएगा, धीरे गो का ये वे लोग क्यों आए हैं, वाई क्या है, वाई और दे के साथ लगेगा है दे, और कम का कम केम कम त्रिया का कम होगा। तुमने उसे क्यों पीटा, वाई है यू बीट का भी त्री बीट में बीटेन बीटेन इसे उसे हिम लिखिए या बाद लिखिए दोनों बात एक उसने तुम्हें गाली कैसे दिया, हाउ हाउ हैज ही अब्यूज्ड इसे तुम्हें यू सी अब्यूज्ड। चलिए उन लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया है, वाई वाई हैव Why have they? इसके बाद not जोड़ने कोई दिक्कत नहीं है, not. Why have they not eaten? और खाना eaten food. लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे हैज हैव विथ इन्फिनिटिव टू, गलती से भी हैज हैव के बाद अगर इन्फिनिटिव टू आ जाए इन्फिनिटिव टू लग जाए तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कंडीशन होंगी। यहां देख लीजिएगा थोड़ा एडवांस में, एडवांस में देखना है क्या देखना है, तो हैज स्लैश हैव प्लस
अगर मैं हम के साथ टू आता है तो क्या करें, दिक्कत यहीं पे होता है। ठीक है, चलिए रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, अगर सेंटेंस में आ जाए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैड प्लस लिख दे टू, तो ध्यान रखेंगे हैज हैड के बाद जैसे ही टू लगेगा तो वर्ब कौन सा लगेगा, तो पी वन लगेगा हमेशा, वर्ब वन प्लस हैज हैड के बाद जब भी टू लगेगा तो वर्ब कौन सा लगेगा, वन लगेगा। यह हैज हैड के साथ ही नहीं, किसी भी हेल्पिंग वर्ब चाहे विलीज एमआर हो, वाज वेयर हो, हैज हो, हैड हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब बनेगा इसके बाद अगर इन्फिनिटिव टू आता है तो आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा, वी वन लगेगा। कभी भी वी थ्री ऑप्शन में जब आपको देगा तो वी थ्री देगा, वी वन देगा, वी टू देगा, वी फोर देगा, कोई भी लेके आपको क्या चयन करना है, वी वन से टिक करना, वी वन ही टिक करना। चलिए एग्जाम्पल इसका हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में सेंटेंस कैसे बनता है। तो इसमें हिंदी में सेंटेंस बनता है, मुझे जाना है या मुझे जाना होता है या मुझे जाना पड़ता है। अब ये क्या सच है सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस में चुकी दिक्कत क्या होता है, ये सेंटेंस आपको मजबूरी को शो करता है। किस चीज को शो करता है, मजबूरी। जैसे यहाँ देखिए कह रहा है कि मुझे जाना पड़ता है, इसका मतलब क्या, मन नहीं है लेकिन जाना पड़ता है, और मन नहीं कर रहा है जाए लेकिन क्या करें। और यहाँ कह रहा है कि मुझे जाना होता है जबरदस्ती, जैसे मुझे जाना है, क्या है मन नहीं है जाने का लेकिन क्या है मुझे जाना होगा, पढ़ना है, पढ़ने का मन नहीं करता है लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है, ये क्या शुरू करता है, ये संदेश। अब क्या बनेगा, ये संदेश को बनाएंगे तो बनेगा आई हैड टू, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों का इंग्लिश क्या होगा, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो और आई हैव टू। ठीक है, हिंदी बदल सकते हैं, इंग्लिश नहीं बदलता है, उसमें क्या समझना है, तो संदेश का मूड आपको देखना है कि सेंटेंस एक्चुअली कहना क्या है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए है, इसमें है मुझे पढ़ना पड़ता है, पढ़ने का मन नहीं करता है लेकिन क्या करता है, हाँ उसे यह काम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अमन को मन नहीं है लेकिन अमन को टोपिया बेचना पड़ता है, ये क्या है, उसका मजबूरी है, बेचारा बेचना नहीं चाहता है लेकिन क्या बोलेगा, अमन टोपिया बेच रहा है, इसीलिए उसका नाम रखना, वो डॉक्टर बनने वाला है भविष्य में, तो इसका नाम क्या रखा है, टोपिया डॉक्टर नाम रख दिया और फिर कर दिया। हम लोग तो घूमना ना 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 हमको ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए, ना फिर हम इलाज नहीं चाहिए, चलिए लिखिए बनाइए। क्या बोला, ओके चलिए थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। सीट में